एंड वेलकम। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। मैं हूँ वॉरियर और मेरे चैनल का नाम है डेथ वॉरियर MFF। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ प्रीमियम कार्ड जो होते हैं हमारे, कौन कौन से बढ़िया होते हैं लगाने के लिए एंड कौन कौन से मतलब नहीं लगाने होते, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले दो चीज़ आती है इस गेम में, एक होता है PvP, एक होती है PvE, ठीक है। PvP में जैसे टाइमलाइन बैटल में फोकस करते हैं जो बंदे जो मतलब टॉप रैंक पे पुश करते हैं एंड AC वगैरह खेलते हैं, PvP वाले की बता रहा हूँ मैं, पैरिटी के लिए वो है, उसमें दोनों मतलब वो होने चाहिए, अटैक भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए टॉप AVX वाले प्लेयर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये दो चीज़ होती है, टाइमलाइन बैटल वगैरह एंड उसके बाद आता है ये AC अलायंस कॉन्क्विस्ट। तो जो दूसरा होता है ना, जैसे अब हो जाता है PvE के बारे में बता दूँ, AT वाले प्लेयर जैसे AVX वगैरह खेलना, ठीक है, मल्टीवर्स इन्वेंशन खेलना, ठीक है, उनमें टॉप करना, जो टॉप पे बैठे रहते हैं उनके बारे में बता देता हूँ मैं, एंड जो AT वगैरह खेलते हैं, ठीक है, और जो GBR वगैरह वर्ल्ड बॉस लेजेंड वगैरह इजीली कंप्लीट करना सोचते हैं कि भाई हाँ इजीली हो जाए, तो ऐसे होते हैं दो तरीके के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको PvE में जाना है, ठीक है, आपको PvE में जाना है। तो उसके लिए मैं आपको कार्ड्स बता देता हूँ कौन कौन से कार्ड्स आपके लिए बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। वो उन कार्ड्स को अगर आप परफेक्टली बना लोगे तो उसमें आपको इजीली 50% तो PvE वाले कार्ड्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो PvE कार्ड्स, सबसे पहले सवाल उठता है कि PvE कार्ड्स क्या है, तो मैं आपको दिखाऊंगा PvE वाले कार्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो PvE का मतलब होता है जैसे कि मतलब अटैक वाले, ठीक है, अटैक वाले बंदे, एंड PvP होता है डिफेंस वाले, ठीक है। तो जो डिफेंस वगैरह करते हैं, ठीक है, जो मतलब HP वगैरह, डिफेंस वगैरह, डॉज वगैरह ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कार्ड आपके लिए परफेक्ट होंगे, बिल्कुल जिन पे आपको डिफेंस भी बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद वो HP भी ठीक ठाक मिल जाएगा। देखो, डॉज 30% बहुत होता है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना। अगर आप टाइमलाइन बैटल वगैरह, ABX वगैरह सब कुछ मतलब ऑलराउंडर बनना चाहते हो तो आपके लिए मैं बता दूँ 30%, देखो मैं बता देता हूँ, जो मतलब मेहनत करते हैं, ठीक है, एंड उनको कार्ड्स के बारे में थोड़ा मतलब कम ही पता है, ठीक है, वो दो HP वाले कार्ड्स लगा लेते हैं, दो PvP वाले, PvE वाले लगा लेते हैं, दो ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको बिल्कुल फोकस करना है। देखो, जो बंदे ऑलराउंडर बनने के लिए सोचते हैं वो चार कार्ड्स तो PvE वाले लगा सकते हैं, PvE वाले कार्ड चार लगा सकते हैं, एंड एक कार्ड ऐसा लगा लो जिसमें HP वगैरह मिल जाए आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कार्ड बढ़िया एकदम परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि जो टाइमलाइन बैटल वगैरह भी खेल सके एंड ABX वगैरह भी खेल सके उनके लिए कौन सा क्या परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले कार्ड्स में। तो ये रहे कार्ड, ठीक है। तो प्रीमियम कार्ड की बात हो रही है, नॉर्मल कार्ड वाले की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो प्रीमियम कार्ड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कार्ड है ना, अवेंजर 12, कैप्टन अमेरिका, ये वाले कार्ड मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी इनका इवेंट आएगा, उनमें आपको फिर क्रिस्टल वगैरह स्पेंड करने पड़ेंगे जब ही मिलेंगे, नहीं तो उससे फ्री में नहीं मिलते, ठीक है। आर्ट बुक वाले होते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले कार्ड ये आता है, अगर ये मिल जाए ना भाई साहब, ऑल अटैक एंड HP देख रहे हो, मतलब आपको 11-11% आप अगर इसको मैक्स कर लो इसका क्वालिटी, तो ठीक है, यहाँ से ही आपको देखो 10-10% तो यही मिल जाएगा, ठीक है, 11 में 10-10 तो कोई मतलब कर ही लेगा इतना तो, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें देखो कूल डाउन, क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, एंड इसमें देखो एनर्जी अटैक, डॉज, इग्नोर डिफेंस, ठीक है, एंड इसमें देखो ऑल डिफेंस, फिजिकल अटैक, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला कार्ड सबसे परफेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑलराउंडर वालों के साथ मतलब सबके पास बढ़िया होता है, मतलब जिनके पास होता है तो उनके तो लॉटरी लग जाती है, एंड मुझे तो ये मिलता ही नहीं है यार, मेरा तो मतलब किस्मत ही खराब है इस कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला कार्ड मिल जाए तो मेरा भी खैर हो जाए बढ़िया HP वगैरह, ठीक है। तो आपको ये वाला कार्ड मिले तो सबसे पहले मिलते ही इसको लगा लेना है, बिना कुछ सोचे समझे इसको, फिर आपको बिल्ड करना है तरीके से इसको, मतलब क्राफ्ट कंबाइन करके, ब्लू ब्लू स्टार जो भी आएंगे आपके किस्मत के ऊपर है जो भी, ठीक है। एंड एक कमेंट आया था एक बंदे का कि भाई ब्लू कार्ड कैसे, ब्लू स्टार कैसे लेके आए, ब्लू स्टार लाने के लिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ है RNG के ऊपर, ठीक है। आपका लक अच्छा है तो आप एक कार्ड में पूरा 5% पीर्स ले लोगे एक कार्ड से, ठीक है, एंड आपका बुरा है ना तो आप 10 कार्ड भी लगाते होगे तो एक पूरा कार्ड परफेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला कार्ड। दूसरा कार्ड, ये वाला कार्ड मिल जाए तो लगा लेना, ठीक है, ऑल अटैक, कूल डाउन, इग्नोर डिफेंस, ठीक है, एंड नीचे वाले बुद्ध हो गए तो यहाँ पे फिजिकल अटैक, HP, क्रिटिकल रेट एंड प्रॉक ऑल डिफेंस का, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, ठीक है, एंड इसके नीचे आओगे तो ऑल डिफेंस, रिकवरी रेट, ठीक है। तो ये दूसरा कार्ड हो जाता है, ठीक है, एंड तीसरा कार्ड आ जाता है ये, ओके।
तो ये वाला कार्ड मिल जाए तो इसको भी लगा ही लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी अटैक, ऑल डिफेंस, क्रिटिकल रेट, ठीक है, नीचे वालों को बता रहा हूँ मैं, जो रैंडम होते हैं, जो आपके हाथ में है, सेट करना, ठीक है, कि जितने आप कार्ड इसमें लगा सकते हो नॉर्मल मिथिक वाले उतने लगा लेना, एंड उसको उस हिसाब से सेट कर लेना। फिजिकल अटैक, कूल डाउन ड्यूरेशन, ठीक है, एंड यहाँ पर देखो डॉज, एचपी, क्रिटिकल डैमेज, ठीक है, ये तीन कार्ड हो गए ऊपर के, एंड ये होते हैं एचपी वाले, इनको मत लगाना, ठीक है। देखो जो मतलब मैं आपको लास्ट वाला जो एचपी वाला कार्ड बताऊंगा ना, उसमें मैं दो कार्ड बताऊंगा, उन दोनों में से अगर कोई सा एक मिल जाए तो लगा लेना, ठीक है। तो ये हो गए तीन ऊपर के कार्ड, जिसका नाम है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, बेस्ट स्टोरी एवर, #1, एंड अनकैनी एवेंजर्स, #140, ठीक है, 140 नहीं 40, ठीक है, 14, स्पाइडर, देखो अमेजिंग स्पाइडर मैन, #605, ठीक है, ये वाला कार्ड भी। एंड आपको कौन कौन से कार्ड नहीं लगाने, ठीक है, बता देता हूँ, ये वाला कार्ड मिले मत लगाना, ठीक है, ये वाला मिले तो अभी इसको मत लगाना, लोकी वाला भी मत लगाना, लोकी #1 वाला मत लगाना, ठीक है। ग्वीन पुल वाला एक कार्ड है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी रुको, जस्ट ये वाला कार्ड मिले तो इसको भी मत लगाना, ठीक है, ये वाला कार्ड मिल जाए तो लगा सकते हो, बस आप एक बार इसमें स्टार्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एचपी मिल जाएगा, फिजिकल अटैक मिल सकता है, एंड क्रिटिकल रेट मिल सकता है, और प्रॉक मिल सकता है ऑल डिफेंस का, ठीक है, तो एनर्जी अटैक मिल सकता है कि नो डिफेंस मिल सकता है यहाँ पे, यहाँ पे ऑल डिफेंस, रिकवरी रेट, अटैक स्पीड, तो इसका इतना खास नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला कार्ड थोड़ा अभी रुको, इसको ये वाला लगा सकते हो बट लेकिन थोड़ा वैसे हो जाता है ये एक्स्ट्रा में, जैसे ये तीन कार्ड है, ठीक है, एक दो तीन, ये तीन कार्ड में से अगर कोई भी मिल जाए आपको, ये एक, ठीक है, ये वाला कार्ड मिलते ही लगा लेना, क्रीसेंट वाला, एंड लूना स्लो वाला कार्ड मिल जाए तो इसको भी मिलते ही लगा लेना, बहुत परफेक्ट कार्ड है, ठीक है, एंड ये वाला कार्ड मिल जाए तो इसको भी मिलते ही लगा लेना, ठीक है, तो ये तीन कार्ड मिलते ही लगा लेना। अब आते हैं पांच कार्ड होने के बाद, पांच कार्ड होते हैं ना ये टोटल, देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोटल पांच कार्ड होते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, चार कार्ड अपने लगा लेने हैं बिल्कुल परफेक्ट वाले, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा इसे लगा सकते हो, चौथा इसे लगा सकते हो, इसे लगा सकते हो, मतलब इन तीनों में से कोई से भी दो मिल जाए तो लगा लेना, ठीक है, चार कार्ड ही हो गए। एंड एक कार्ड अगर आप एचपी वाला लगा लो तो आपके मजे मजे हैं, जैसे कि ये वाला कार्ड देख लो, इसमें आपको ऑल डिफेंस, ऑल अटैक, ठीक है, क्रिटिकल रेट, तो देखो ये वाला कार्ड ना एचपी कूल डाउन, इग्नोर डिफेंस दे रहा है, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल अटैक ले लो 5%, एंड इस वाले में डॉज ले लो, एंड इस वाले में क्या करो, इस वाले में एनर्जी अटैक ले लो, वैसे इस वाले में अगर एचपी का प्रोक लेोगे तो और ज्यादा बेटर है, टाइलेंट बेटर में आपको एचपी के प्रोक के बारे में नहीं पता होगा बट मैं लेकिन बता देता हूँ, ये जब एक्टिवेट होता है ना तो आपकी 20% इंक्रीज कर देता है एचपी, सारे करेक्टर्स जितने भी आपके पास होते हैं ना, ये जो जो फाइट कर रहे होते हैं, एसी वगैरह, टाइलेंट बेटल वगैरह में तो बहुत काम आता है ये वाला कार्ड, ठीक है, तो ये वाला कार्ड लगा सकते हो। एंड ये इससे ग्वेन पुल से पहले ये मिल गया तो ये वाला लगा सकते हो, ठीक है, इसमें भी यही है, तो इसमें देखो एचपी का प्रोक, ठीक है, यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लेना है ऑल अटैक या फिर डॉज या फिर एनर्जी अटैक, ठीक है, एंड इससे नीचे आओगे तो कूल डाउन वगैरह ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स में तक में से कोई सा भी एक लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है, चार कार्ड अगर आप पीवीई वाले लगा लो, जो पीवीई वाले होते हैं ना, चार कार्ड पीवीई वाले लगाने के बाद एक कार्ड पीवीपी का लगा दो तो कोई ज्यादा बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है इसमें, मैं आज भी बता देता हूँ, कोई भी बुराई नहीं है। मैं एक व्हेल की आईडी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एंड आपको जब भी ज्यादा समझ में आएगा, आप ये सोच रहे होंगे ना कि मतलब यार कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी वॉरियर भाई के तो कुछ भी बोल रहे हो तुम, तो मैं आपको एक व्हेल की आईडी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो हमने काल की आईडी ले ली, ओके, एंड काल के अकाउंट में तुम देखोगे इसने दो एचपी वाले कार्ड लगा रखे हैं, बट लेकिन छोड़ो इसे, इसके बारे में वो नहीं है, इस देखो इसने दो लगा रखे हैं, ठीक है, एंड ये पीवी पीवी ई बी और पीवी पीवी है, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखना, इसने ये वाला कार्ड लगा रखा है, एंड ये वाला कार्ड लगा रखा है, एंड इसके बाद तीन ये वाले कार्ड लगा रखे हैं, ठीक है, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, क्रीसेंट, एंड लूना स्लो, ठीक है, तो देखो इसके पास कभी भी कार्ड वगैरह की तो कमी होती नहीं, ठीक है, तो इसने क्यों लगा रखे हैं, इसने इसलिए लगा रखे हैं, यहाँ पे देखो नीचे इसको एचपी का प्रोक मिलता है, डॉज वगैरह, एचपी वगैरह, इग्नोर डिफेंस, क्रिटिकल डे, मतलब परफेक्ट है यार एकदम, ये वाले कार्ड जो होते हैं ना, एक कार्ड पीवीपी वाला लगा लो तो, ठीक है, एंड उसके बाद एक और व्हेल की आईडी दिखा देता हूँ मेरे को, काल के बाद हम आर्थर की आईडी देखते हैं, ठीक है,
इसने भी दो कार्ड चढ़ा रखे हैं ये। एंड ये मत समझना इनका एबीएक्स पे स्कोर इतना होता होगा इतना होता होगा, मैं एबीएक्स स्कोर भी दिखा दूंगा तुम्हें इसका इनका। एंड वो बात अलग है, वैसे ये होते इनके पास खतरनाक खतरनाक वे होंगे, मतलब सीटीपी वगैरह। विक्की की आईडी दिखा देता हूँ मैं आपको, विक्की की आईडी में कार्ड्स में देखो ठीक है, मतलब 2 HP वाले ये पकड़ के चलते हैं लोग। ओके 2 HP वाले कार्ड्स ये हमेशा लोग पकड़ के चलते हैं। ओके समझ गए ना आप? तो हमें क्या करना है, हमें 2 HP वाले कार्ड नहीं पकड़ के चलना, हमें चलना है सिर्फ 1 HP वाला कार्ड ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मली देखो आप समझना ध्यान से ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो अब यहाँ पे आ जाओ। मान लो एक कार्ड आपके पास ये है ठीक है, 10% HP आपने इसमें मैक्स स्टार्ट वो मैक्स क्वालिटी लेने के बाद ले लिया ठीक है, एंड 10 अटैक हो गया ठीक है, 10 अटैक एंड 10 HP ठीक है, काउंट करना अभी। एंड उसके बाद एनर्जी अटैक का काउंट नहीं करेंगे, बस HP एंड ऑल अटैक काउंट करते हैं ठीक है। तो 10 10 ये हो गए ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला कार्ड लगा लिया। ओके तो 10 एंड ये हो गया 20, 20 अटैक 10 HP एंड यहाँ पे 15 HP, 20 अटैक 15 HP तो ओके। और इसके बाद ये वाला कार्ड भी लगा लिया हमने ठीक है, 30 अटैक एंड यहाँ से हमने HP उठा लिया 20 HP, 30 अटैक 20 HP ठीक है। एंड उसके बाद तीन कार्ड ऊपर के हो गए, एंड ये वाले कार्ड पे आ जाओ ठीक है, 40 अटैक 25 HP ओके। एंड लास्ट कार्ड आ जाता है एक, जो कि मैं बता रहा था ये वाला कार्ड ठीक है, 40 अटैक 25 HP ओके, एंड 35 HP हो चुके हैं टोटल ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ऑल अटैक, ऑल अटैक ठीक है, 45 अटैक एंड कितने हो गए ये 40 HP ओके। तो अब देखो एक कार्ड में मैंने आपको बताया आप एक कार्ड में डबल अटैक एंड डबल HP ले सकते, देखो एक कार्ड में हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी अटैक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑल अटैक आ जाए तो बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल अटैक आ जाए तो थोड़ा चुभता है पर कोई नहीं, रेजिस्ट तो ठीक ही है ठीक है। देखो 10% यहाँ से 10% यहाँ से ठीक है, 20 20 H 20 का मतलब वो हो गए ऑल अटैक, 20 20 40 ठीक है, 60 ओके एंड 80 ओके, एंड इसके बाद 90 90 मान लो ठीक है। क्यों 90 मान लो? क्योंकि नीचे वाले पे हमें HP मान लेना ठीक है। तो अब देखो HP का बता दो, यहाँ पे मान लो तुमने दोनों साइड HP ले लिए ठीक है, तो दोनों साइड HP लेने के बाद क्या है कि आपके हो जाते हैं 20 HP ठीक है, एंड इसमें आ जाते हैं 30 HP ओके, एंड 40 HP, 50 HP एंड उसके बाद 60 HP, एंड जो नीचे वाले होते हैं 70 80 80% तुम HP ले सकते हो ठीक है। नीचे वाले स्टार्ट से जैसे मैं बता दूँ एक बार और अगेन, जैसे ये वाला कार्ड है ठीक है, ऊपर 10 पॉइजन रेजिस्ट के नीचे HP है, एंड नीचे देखो सबसे नीचे HP है 5 6% HP है ठीक है। तो ऐसे ही आप 80% HP एंड 90 से लेके 100% तक अटैक ले सकते हो ठीक है। एंड इतनी HP होने के बाद एंड इतना अटैक होने के बाद तो इजीली आप टाइमलाइन बैटल पे भी मजे में आपस मतलब आराम से फोकस कर सकते हो, आराम से मतलब मार सकते हो सामने वाले को ठीक है। और अटैक होने के बाद तो आपको पता ही है ABX में कैसे मारोगे, GBR वगैरह भी क्लियर कर लोगे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या आती है, टाइम एंड पैसा इन्वेस्टमेंट ठीक है। जो फ्री टू वाले बंदे होते हैं ना उनके बारे में मैं बता दूं, जैसे आपको ये इनमें से कोई सा भी कार्ड मिले ना ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये वाली लिस्ट ठीक है। देखो इनमें से ये कोई से भी कार्ड मिले ना आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें से कोई सा भी कार्ड लगा लेना है ठीक है। एंड ये देखो एंड इनमें से जो इस साइड वाले में से जो जो भी कार्ड मिले आपको मिले, इनमें से कोई सा भी कार्ड नहीं लगाना, सब इन्वेंट्री में रखना है ओके। आपको ये वाले इन्वेंट्री में रखने हैं कार्ड्स ठीक है, एंड ये वाले कार्ड्स आपको लगा लेने हैं। इनमें से आप ने जैसे ये दोनों HP में से मैंने आपको बताया, इन दोनों HP में से कोई सा 1 HP वाला लगा सकते हो, एंड इनमें से अटैक वालों में से कोई से भी 4 लगा सकते हो ठीक है। एंड ये वाले सारे वेस्ट हैं ओके। तो आपको क्या करना है,
इनमें से कार्ड्स जो वेस्ट वाले हैं उनसे आपको क्राफ्ट कम्बाइन वगैरह करोगे, ब्लू ब्लू स्टार्ट्स लेके आओगे, तो आपका भी पीर्स वगैरह इंक्रीज वगैरह होगा, अटैक वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कार्ड्स के बारे में, कैसे करना पड़ता है, कार्ड्स को कैसे सेट करें। ठीक है, वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी बिल्कुल परफेक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब क्या करें, मतलब मैंने क्या समझाया आपको, क्या नहीं, एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एंड भले ही अगर आपको वीडियो बुरी लगी हो, आपको मज़ा नहीं आया हो, तो कमेंट्स में आके कुछ भी बता सकते हो मेरे को, क्या मतलब क्या दिक्कत थी वीडियो में, क्या नहीं। ठीक है, एंड मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया आपको। ठीक है, मानता हूँ मैं मतलब फ्री टू प्ले वाला बंदा तो नहीं हूँ, बट लेकिन मेरे को जितना पता है कार्ड्स वगैरह के बारे में, महीने में एक बार हम कार्ड्स ले सकते हैं टोकन से। ठीक है, टोकन इवेंट से, एंड एक कार्ड हम ले सकते हैं जो फ्यूचर पास में हमारे पास वो आते हैं टोकन। ठीक है, तो महीने में 2 कार्ड्स ले सकते हैं, जैसे हम जीबीआर वगैरह करेंगे तो 10 दिन में हम 100 टोकन जीबीआर से उठा सकते हैं, एंड एक महीने में 300 टोकन। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्यूचर पास में आप चेक करो, ये देखो फ्यूचर पास में सबसे एंड में 300 टोकन, ये तो एक महीने में एक कार्ड यहाँ से मिल जाता है, एंड एक महीने में एक कार्ड यहाँ से, तो 2 कार्ड हम ले सकते हैं, तो चांस तो हो ही होंगे ही ना कि आप भी, अगर देखो वेस्ट मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, काम आ जाएगा पीर्स वगैरह इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड काम का मिला तो और मजे, आप लगा सकते हो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है ना कार्ड के बारे में, मैंने क्यों बताया आपको कार्ड के बारे में, मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो कार्ड है ना, अगर कार्ड एक बार आपके परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको पता है सारे करेक्टर्स में इफेक्ट आते हैं कार्ड से। ठीक है, एंड एक चीज और, जैसे आप एक ही, जैसे आप सीटीपी वगैरह उठा रहे हो, ठीक है, एंड सीटीपी वगैरह देखो आपके पास बिल्कुल भी सीटीपी वगैरह नहीं है, तो आप सीटीपी पर जा सकते हो। ठीक है, एंड आर्टिफैक्ट वगैरह पर मत जाना, ओके, जिन बंदों के पास मतलब बिल्कुल ही नए बंदे हो, फ्रेश बंदे हो, आर्टिफैक्ट वगैरह के पास मत जाना, सीटीपी पे जा सकते हो, मेगा रैंक अप टिकट पे जा, मेगा टायर टू टिकट पे जा सकते हो, एंड कार्ड्स वगैरह पे जब भी जा सकते हो जब आपके पास करेक्टर्स वगैरह ठीक ठाक हो, 5 डेली वर्ल्ड बॉस लेजेंड वगैरह कंप्लीट करने के लिए, एंड दूसरा आपके पास सीटीपी वगैरह हो जिन जिन करेक्टर में आपके पास होने चाहिए, उसके बाद कार्ड्स पे आ जाना। ठीक है, भले ही आपके कार्ड्स घने ही गंदे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही हो कार्ड्स में, तो सर्वाइबिलिटी ना हो, तो मेरा ये वाला काम मतलब कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्ड्स वगैरह पर फोकस कर देना, एंड कार्ड्स बनने के बाद तो आपको अलग ही तरीके का मजा आएगा इस गेम खेलने में। ठीक है, इस गेम को खेलने में पूरा अलग ही मजा आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना कार्ड्स के लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।